ये देखो ये निशान कैसे जाएंगे। नमस्कार मित्रों, नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एक गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस। मोटे क्या शोर मचा रहा तू? मैं ताजा कर रही थी बाहर। वाओ, यही काम होता है मोस्टली लेडीज का, ताक झाक करना और फालतू बोलना। मैं कह रहा हूँ सुनो भाई, तुम कहाँ रहे वॉशरूम में? पीछे पीछे नहाओगे क्या साथ में? क्यों लेकर जा रहा है बेटे? वो देना जरा एक बारी। अरे यार, 25 रुपए की ब्रश क्या खोगी, पागल हो रही है। पिछली बार तो वो खोया था, एक तो ब्रश खोया है। ये लंदन की ब्रश है, पता मोटे? लंदन की ब्रश है, ब्रश भाई। अभी हम जा रहे हैं एनिमल देखने, सॉरी योर एनिमल। एनिमल है मोटे तू? देगा वो जानवर, जिनावर। चल मैं नहा रहा हूँ, इसमें चार्जिंग पे लगा दूँ थोड़ा फोन। प्लीज किससे थैंक्स। सही आ रहा हूँ गाइस, एक नई हुडी है हमारी, पापा को मैंने पहले दे दी थी बट मेरे साइज में अब आई है, तो हमारी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी बेस्ट है, बेस्ट सारे तो बेस्ट ये। और मेन चीज फिटिंग कैसी आ रही है? मस्त फिटिंग, मस्त आ रही है ना? देखो वेल डन गाइस, वेल डन है, लव यू। और लाइट चली गई, मम्मी का बेचारी का वो हो गया, धोखा मिल गया मम्मी को, लाइट चली गई, अब नहाएगी कैसे? और मैं नहा लिया बढ़िया। मैं कह रहा हूँ यही वाले जूते पहन जाऊँ ना, ये भाई मेरे सबसे पहले जॉर्डन थे, ये पन्नी निकाल लो, ये सबसे पहले जॉर्डन थे मेरे, जो सबसे पहले मैंने खरीदे ना। जुराब दे दो मम्मा, अपने फिल्म देखने निकल रहे एनिमल, और एनिमल्स ही लेने आ रहे हैं मुझे, क्योंकि मेरे पे तो गाड़ी है नहीं। अनूप भाई लेके जा रहे हैं हमारी फॉर्चुनर, और मछली खड़ी ऑफिस पे, उसको आज पिक करूंगा मैं। नाइस यार, बाल भी सही लग रहा है तो, और ये भी अच्छी लग रही है यार, देखो अच्छी फिटिंग है। वाओ एडविस, वाओ। ऑलवेज लेट गाइस, ऑलवेज लेट, बट इट्स ओके। आपकी वो ऐड छुड़वा दी हमने, बस कौन सी ऐड छुड़वा दी? अरे ऐड थोड़ी देखोगे पिक्चर के पहले की, पिक्चर में ऐड भी आवे क्या? अरे ऐड नहीं, ऐड भाई यहां रास्ता, भाई ध्यान से देख, इसे उड़ा मत दे, यहां के बंदे रुकते नहीं भाई। सीधा सीधा भी हां सीधा है, गांव के बाहर। चलो मेरे गांव में कौन सा मॉल बन गया, गांव के अंदर, बाहर है ना गांव के, भी तो है उसमें नहीं जाना ना अपने, वहां की टिकट है तेरे पे? तो कैसे जाएगा? इस वाले में ओके, लेफ्ट वाले में जो अक्षय कुमार का। अच्छा आप भी बना दो एक एलविस यादव मॉल। और हमको तो घने पास तो निकट रहे हैं सब चीजों के, या मुझे ही लग रहा टाइम हुआ है, आपने गाड़ी नहीं चलाई ना बहुत दिन से, तो आपको इसलिए लग रहा। मे बी, क्यों ना चलाई मैंने गाड़ी, दिन तो चलाई तो भाई। जब इसको मारेगा ना तब ताली मारेंगे हम, ठीक है ठीक है ठीक है, ताली मारेंगे जब इसे मारेंगे। बाहर तो नहीं रहा है, मतलब जो भी कर रहा नहीं है, नहीं है यार, क्यों नहीं है? शिट भाई क्या फिला मैं? और कहता था पापा का बर्थडे है तो पागलों की तरह चॉकलेट बांटता फिरता था। तेरे पापा के लिए प्यार जोग नहीं, रोग है। I really wish you died that day. I wish you died that day. चोक स्लैम ना दिया भाई। अभी एनिमल देख के निकले, चार एनिमल्स, चार लिटरली एनिमल्स निकले हैं अभी ना। ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, कति ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, मजाक सट के मम्मी कसम खा के अपनी। एक गाड़ी बड़ी प्यारी लग रही थी, 700 है ना, अच्छी लग रही है, अलॉय बढ़िया लग रहा है, अलॉय भी। गुड इवनिंग। अरे ले रे वाओ, ना नहीं है गाड़ी, गुड इवनिंग करती रहे। गुड इवनिंग क्यों कह रही है? चले आते, चल कोई अरे को नहीं, और वो नीचे आना आरपीएम, इंजन अभी ठंडा है ना वो पूरा। हां भाई जल्दी कैलकुलेशन से चलाओ तुम स्पोर्ट्स कार को, या ये भी ठीक, सारी गाड़ी वैसे चलानी चाहिए भाई, ये भी ठीक। एनिमल बताओ, एनिमल कैसी लगी भाई? मां की कसम खा के बता रहा हूं, मैं ना इतने टाइम बाद कोई पिक्चर देखने आया था, मतलब कि हाइप सुन के कि एनिमल या एनिमल हो रखी है कि भाई एनिमल एनिमल, मैंने कही तो चलो एक बार एनिमल ही देख के आते हैं क्या है भला। 3.5 घंटे की पिक्चर थी वो, ले लिया एग्जिट, इसको कहा था एग्जिट, ले ले जाते भी है तो भाई। हाँ जनता यही कह रही थी कि 1-1 मिनट वर्थ होगा, 3.5 घंटे की पिक्चर है, उससे भी ज्यादा की है ये भाई। देखो मजाक की बात नहीं है, पर मतलब जितनी हाइप थी उस हिसाब की तो मतलब थोड़ी अनरियल है यार, मतलब ठीक है पर फिक्शनल है ज्यादा,
मतलब हम तो ये सवाल कर रहे थे, उसने हजार तो आदमी मार दिया केले ने, ठीक है। उसके बाद पुलिस भी ना आई, चलो वो बड़े घर का आदमी है, पर इतने बड़े घर का आदमी है, अम्बानी भी इतने आदमी मार देगा ना, अम्बानी ने बिठा ले जाएगी पुलिस भाई। दूसरा कि मतलब बॉबी देओल का कैरेक्टर अच्छा था, एक तो गूंगा बना रखा बॉबी देओल, बॉबी देओल भाई बोलने लायक तो छोड़ो, बोलता भी तो है वो अच्छा। चलो फोन उठा ले, क्या कह रहा लड़का, लड़के तो कह दे अच्छा पापा है तो पापा का दिल्ली पुलिस में रुक गया पापा के नाम तक गाड़ी। मैं अभी जिम जा रहा हूँ 10:30 बजे अपने पापा तो कह दे कि आज के लिए मैं पापा बेटा आपको बस करनी है पापा 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 बहरा नहीं हूँ मैं, सुनाई दे रहा मुझे बोल दिया अपने पापा तक ये वाली बात। हाँ हाँ रोटी खाऊंगा पापा, कह दे आज के लिए मैं पापा आप बेटा बोल लियो पापा। एनिमल की एक्टिंग कर दे ना, ना खाऊंगा आज रात को खाऊंगा पक्का। एनिमल की एक्टिंग कर दे, मत कर तू फील ही नहीं कर रहा एनिमल को, तू फील भी नहीं कर पापा देसी तोड़ देगा बीच में से। हमें भी नहीं लगा अच्छा भाई इसमें तो यार क्या ही बोलूं मैं, सही था जो भी था, मतलब सही नहीं था वैसे तो, मतलब जितना मैं सोच के गया था ना उतना नहीं था यार। मैं बहुत ज्यादा सोच के गया था कि भाई क्या ही होगा, कह रहे भाई ये तो क्या ही पिक्चर बना दी साड़ी, क्या ही पिक्चर बना दी भाई, क्या ही पिक्चर तो नहीं है, मतलब क्या पता मेरा अलग टाइप हो, यहीं से भी निकाल ले यार जो दिल करे वहां से निकाल ले तू। एक तो भाई मेरी मम्मी झूठी, मेरी मम्मी सबसे बड़ी झूठी। मैंने जिम छोड़ी, तेरे पापा को बात करनी है, तेरे पापा को बात करनी है, मैंने कहा ओह, मैंने कहा ओके, मैंने कहा हो जाएगी, तेरे समझ ना आ रही क्या, तेरे पापा को बात करनी है बहुत ज़रूरी। भाई मैंने जिम छोड़ दी रात को, गाड़ी ना आती, गाड़ी लेकर आया मांग के कि पापा को ज़रूरी बात करनी, फ़ोन पर फ़ोन, मैसेज पर मैसेज, पिकाचू भेज रही रहा पट मारने वाला, एक पिकाचू है मेरे पे, वो ऐसे ऐसे मारता पिकाचू, वो भेज रही। मैंने कहा भाई अब तो सीरियस ही है कुछ, पिकाचू थप्पड़ मरवा दे पिकाचू से मेरे। घर आ गया, पांच बात हुई 10-10 सेकंड की, ये क्या है, ये क्या है, तेरे पापा ऐसी बात कर रहे हैं बस खाली, ये तो फोन पे भी हो जाती है ना, वो लंबी छोटी बात करेंगे फोन पे हो जाती है बात, और ऐसी तो कोई बात ही ना थी भाई। मैं मुझे लगा कि अब बात स्टार्ट होगी, मैं ऐसे बैठा रहा, मैंने कहा अच्छा होगी भी वाली बात खत्म, मैंने पापा कह रहे हाँ जाके सो जा, मैं कह ये कैसा रिप्लाई है, हंस दी ऐसे रिप्लाई, बहुत गलत बात है भाई, गलत बात भाई, अपने घर बुलाना कोई गलत बात है, अरे छल कपट से बुलाना गलत बात है ना। एक मिनट सॉरी, सॉरी इज माय वीकेस्ट पॉइंट यू नो गाइस, जो मेरे को सॉरी बोल देता ना उसके गला दबा देता हूँ। और तेरी गर्दन तो वैसी हो रही बड़ी हल्की सी, नू थोड़ी सी नू करती मर जाएगी, कमजोर होगी। चल मैं गला दबाऊंगा, जब मरने लगे तब बता दियो कि छोड़ दे, ठीक है, ठीक, देखें भाई कितना झेल सके, ठीक बता देना, ठीक है। मम्मा रैंप वॉक, रैंप वॉक, दोनों रैंप वॉक, भाई बताना कौन बढ़िया पापा, चलो चलो पापा ने बुला लो, गो। मैं अच्छा कर रही थी तो तू जल रहा है, मैं जलता हूँ, मम्मी अच्छा कर रही थी। तो चलना ना हमें, तो ऐसे ऐसे चला है, ऐसे चले कर रैंप पे, रैंप पे। यार हम ना एक्चुअली क्या, हम लोग रैंप वॉक एक्सपर्ट्स हैं गाइस। हुडी कैसी लग रही है, इस पर पता क्या लिख रहा है, अहिंसा परमो धर्म, नीचे पढ़ के बता, मोटा तो जावे पढ़नी, क्या लिख रहा है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च, और पीछे हमारे राम जी, हाँ जोड़ ले भाई। वाओ गाइस, जो भाई पूछता है कि ये कहाँ से मिलेगी, भाई अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये वाली नहीं मिलेगी अभी, ये तो आई नहीं अभी मार्केट में, इसको ला दे, कमेंट कर देना कि एलविस भाई ये वाली हुडी निकाल दो, तो हुडी निकाल देंगे, एक दो दिन में ही निकाल देंगे, ठीक है। कल फोटोशूट करा लेता हूँ इसकी, मैं बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचवा लेता हूँ, फिर आ जाएगी अपनी, और system.com है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पर जाकर आप खरीद सकते हो, और किसी लिंक से मत लेना भाई,
और जो जो खरीद के पहन रहे हैं भाई प्लीज़ फोटो डालो यार टैग करके मेरे को, आई पोस्ट देम ऑन स्टोरी। system.com का एक इंस्टाग्राम पेज है जो कि आपको मेरे बायो में मिल जाएगा लिंक, जो बायो है ना मेरा उसमें सिस्टम क्लोथिंग का इंस्टा पेज है उसकी स्टोरीज में आएगा, उसके भी 1.5 लाख फॉलोअर है भाई। आज हम एनिमल देख के आए तो क्या करूँ भाई, उसका सर पैर नहीं लगा, मतलब शायद लोगों को लगा होगा, मैं उस हिसाब से नहीं देख पाया, बहुत अनरियल लगी मेरे को कि एक आदमी 1000 आदमी मार रहा है। चलो वो तो बॉलीवुड मूवी टाइप्स है बट स्टिल यार थोड़ा मैं आदत पड़ गई थी मेरे को रियलिस्टिक चीज़ों में घुसने की। चूहा कहाँ है चूहा, आपसे चूहा जीत जाएगा यार। हाँ। तो रेस पता किसके साथ, तेरी बराबर वालों के साथ रेस होनी चाहिए, तेरी रेस होनी चाहिए घूस के साथ मोटा चूहा होता ना मोटा चूहा उससे होनी चाहिए, पर मेरी मम्मी पतली हो रही है, आपको नहीं लग रहा आप पतले हो गए हो? घनी पतली होगी सच्ची में, कम से कम 8-10 किलो वजन गया। बाय गुड। यार मेरी मम्मी कमजोर हो गई यार, हो तो भाई सुतरी लग रही है पर पहले मोट 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 ज्यादा अच्छी लगेगा थी पहले ना। चल अब खाना शुरू कर दे वापस, पहले पता है मम्मी मोटी कैसे हो गई थी, मेरे हिस्से का भी खा जाया करती, अब इनने मेरा हिस्सा छोड़ दिया, मैं भी तो पतला हो गया, मैं भी तो पतला हो गया, हमारा पूरा घर पतला हो गया भाई, टेंशन में किसी की जिंदगी ऐसी यूं कर दी कई चीज़ों ने ना, तो हम ऐसे हो गए पतले हो गए, बट इट्स गुड फॉर अस यू नो, मोटे रहते तो बीमारी ज़्यादा होती है भाई, और फिट रहेंगे, जिम जाएंगे और सिस्टम करेंगे। हाँ शी इज़ प्राउड ऑफ इट, वेरी नाइस। और यार मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है आप सभी लोगों से, इधर आके करता हूँ जरा, दिस इज समथिंग पर्सनल करूँ भाई, पर्सनल बात ये है कि मैं सबसे पहले भाई सभी लोगों को थैंक्स करना चाहता हूँ यार, जितने भी मेरे फ़ैन क्लब्स हैं ना भाई, मैं देखे बहुत सारे हैं और इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे बहुत सारे फैंडम्स ट्वीट करते हैं जो, और खूब सपोर्ट करते हैं, ट्रेंडिंग पे लेके आते हैं मेरा नाम भाई, सो लवली माँ कसम भाई, आई एम वेरी ग्रेटफुल। और जिसको ऐसा लगता हो ना कि आई एम चेंज्ड, ऐसा कुछ नहीं है भाई, इफ़ आई एम चेंज्ड तो आई हैव चेंज्ड फॉर गुड, मतलब आई एम अ बेटर पर्सन जो मैं पहले था, और मेरे हिसाब से दिस इज़ लाइफ, ऐसे ही होता है हर बारी कि इफ़ यू आर ग्रोइंग तो ग्रो ऑन अ पर्सनल लेवल, मतलब काम धंधा वाइज भी ग्रो करें और पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव करें, कि भाई तुम जैसे बंदे थे पहले जो जो तुम्हारे अंदर बुराई थी, ऐसा तो कोई नहीं होता कि हर आदमी परफेक्ट है भाई, मैंने बोल दिया मैं परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूँ, ऐसा नहीं होता भाई, थी हम में भी कमियाँ, अब धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, तो कई लोगों को हजम हो रहा, कई लोगों को हजम नहीं हो रहा, कई लोगों को क्या शैतानी कर साड़े पहले जैसी, शैतानी करने के टाइम पर शैतानी करेंगे यार, अब ना समझ आ गई, मतलब अब ऐसे होता है कि सपोज पहले किसी को भी कुछ भी कह दिया, अब सोचते हैं कि अपने आप को उसकी जगह रख के देखे तो कैसा लगेगा, ये चीज़ समझ रहे हो, तो वो एक थोड़ा सा आया है, अब इसको तुम कुछ भी कह लो, बुढ़ापा कह लो बुढ़ापा, एलिस भाई तुम तो बूढ़े हो गए, बट ऐसा नहीं है यार, ये कहनी थी मुझे वाली चीज़ ना, कि गलती एक्सेप्ट करना, पास्ट में कोई हुई हो मान लो, किसी को बुरा भला बोला हो, एक्सेप्ट करना इज़ अ गुड थिंग, जो मुझे अब समझ आई। और एक सर्कल होता है ना जैसे तुम्हारे दोस्तों का, मान लो इफ़ यू सेड सॉरी टू एनीबडी तो वो सॉरी कह दियो भाई, सॉरी नहीं बोलेंगे हम, मैं तो ऐड है, ऐसा नहीं होता भाई, सॉरी बोल के देखना, कभी गलती हो ना किसी से सॉरी बोल के देखना, बड़ा यू विल फील गुड, और छोटा नहीं होता कोई, अब समझ आ रही है मुझे सारी चीज़ ना, कि सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता, ऐठबाजी दिखाने से कुछ नहीं होता, करो ये सारी चीज़ें बट लेवल पे, उस लेवल से आगे बढ़ो। क्यों भाई मोटे ये समझा रहा है? मैं लोगों को ये समझा रहा हूँ, वाह रोटी आ गई, मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि मेरी मम्मी बहुत मस्त है और मेरी मम्मी 140 की स्पीड से भाग भी सकती है जब पीछे चूहा लगाओ, कुत्ता लगाओ तो सोच मैं वहीं पसर जाऊँ, मैं भागू फिर तेरे पीछे, पसर जा सच्ची तो, अगर कुत्ता मैं वहीं पसर जाऊँ जहाँ खड़ी हूँ, भाग ही ना सकूं, मेरे शौक नहीं आपके पीछे कुत्ता लगाऊँ मैं, ठीक है ना। रोटी दिखाऊँ बड़ी नूने की रोटी मिक्स वेज की सब्जी, इसके लालच में बुलाया मुझे, और गुड़ अभी मैं जरा दैड लेता हूँ ना, ठंडी हो जाएगी, ये हुक्के के निशान है। सुनो अभी शाह मैं तो एक चीज़ दिखा, तू के हुक्के के निशान दिखा बार बार, मैं ध्यान ना रहा पूछने, वो दिखाई क्या है, ये कहाँ पी क्या है तू, ये चीज़ क्या पी क्या रहा हूँ मम्मा, हुक्का
कहाँ है हुक्का मम्मा? तू ही दिखा रही हुक्का। दिस कहाँ है हुक्का मम्मा इसमें? पापा दिखा कहूँ? पापा दिखा कहूँ? कोई बात नहीं। पापा दिखा कहूँ? कि पापा इधर। पापा इधर फूल क्यों है? मैं कहूँ पापा हुक्का के निशान पड़ के जाएंगे कैसे हैं? पूछ लूँ। इसका इलाज तो बताओ मुझे कुछ, जैसे आप क्या हैं, क्या ना आपके ये नहीं, आप क्या भी तो हैं। दोनों क्या है? बराबर कर देता हूँ इसको निशान को मैं, आप सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। नींद खराब करके ओके निशान का इलाज पूछा है, बताई भी ना। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? सुन किंग, उसका छोड़ दे, जान चले जाऊंगे भाई। I don't have hookah frequently. I do it very often. मतलब जब मैं कहीं बैठा हूँ only तभी, जब आपके साथ बैठा हूँ only तभी। भाई यार तो रणबीर कपूर अपने बापू का और अपना दादा का आगे सिगरेट पी रहा है यार मूवी में। फिर मैंने सोचा कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। संस्कार इन्हीं चीज़ों ने बोला है। किन चीज़ों को? यार पापा के आगे तो हुक्का पी लेगा। No, it's against the rules. You know, it's against the hookah rules. आप अपने बापों के साथ बैठ के हुक्का नहीं पी सकते। बट आप अपने बापों के साथ बैठ के दारू पी सकते हो। ये तो गलत बात है फिर। मम्मी कह रही मुझे क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहे? दारू पीनी ही गलत बात है। अच्छा दारू पीनी गलत बात है तो तेरे फ्रिज में दारू का कर रही है भाई? तेरे फ्रिज में दारू का कर रही है। ये जैगर की बोतल क्या कर रही है? ये नीचे बकार्डी का कर रही है के? और इसमें भी तेरा कुछ होगा, इसमें दारू दक्कर। यही तो मैं कल लाई कैच की जी पी भी ना बोले। ओए और के कह तेरे इसमें भाई तोड़ दे टुकड़े। अच्छा हां बता भाई मोटे, तू तो दारू का अगेंस्ट है, तेरे ये क्या कर रही है? पता भी क्या चीज है ये? खांसी दवाई है, पी फिर खांसी ठीक कर ले अपनी। मैं तेरे लिए लेके आई थी तेरे पास। सुन के देखियो जब भी तो है लग रहा है अभी सील बंद लग रही है। सील बंद रहा है इतनी तो रिता दी थे ना ये। देख खांसी हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ आपको पता है इसको फ्रीजर में भी रखोगे तो भी नहीं जमेगी ये। मेरा ना इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है ना, मैं तो बस बता रहा हूँ। चॉकलेट खावे ना है, रख रख के छोड़ दे रहा है। मैंने अच्छी लगी हो। अच्छा रे ठीक। चॉकलेट तो बनी चीज़ अच्छी ना लगे। तू रोटी दे दे दूसरी, वो गरम ठंडी होगी तो हट ना उस खा ले चुपचाप। ओके के निशान भाई वो टाइम कब आएगा जब मैं पापा गैल बैठ के दो दो पैग और अपना इंजॉयमेंट चल रही है, वो कब आएगा मोटे टाइम? कभी नहीं, कभी भी नहीं। भाई जो मेरे बालक होएंगे कभी, तुम्हारा बापू अभी से कह रहा तुम्हारा जी करता हो तो गैल बैठ के ऐसा कुछ ना थप्पड़ मारूंगी उनके सबके मुंह पे। अरे तुझे भी देंगे एक पैग भाई। मुझे दो पैग। एक ना अगले में एक लेडी है, वो बोली ऐसा हो ही ना उसके कि किसी ने ना जीप पे टच ही ना करी हो दारू किसी लेडीज ने, मतलब मगर मैं रही कह रही हूँ। तैने ब्रांडी पी है? तैने ब्रांडी पी है? माँ कसम खांसी की दवाई ना पी तैने? ना तैने अब तक दारू ना पी? ना मैं तो जैसे खांसी की दवाई जो ना मैं जो रखी एक चम्मच पीती मैं तो हिल जाऊँ उससे ही, उसमें पता नहीं उसमें अल्कोहल होता है। हाँ तो तैने रख ली? नहीं मैं तो खांसी की दवाई करके पिए। नो मोटे। अच्छा जो डॉक्टर लिखा उसमें? नो मोटे। ऐसा कुछ ना भाई, अभी मुँह थोड़ी ना जानबूझ के पिए वो तो, पर मैं तो एक चम्मच पीती और मैं तो हिल जाऊं बिल्कुल। नशा हो जाए, नशा हो जाए तुझे? वाओ नशा ना चक्कर आने लग जाए। हां वही नशा नु है के। हां फिर क्यों चक्कर खाने की दारू पी दुनिया? यस मम्मा गलत बात है, गंदी आदत है तो छोड़ देनी चाहिए सबने। पी पी के खत्म कर दो। मैं कह रहा हूं इसे की अच्छी बात है, मेरी मम्मी की बात सुनो गाइस। रोटी चेंज, बीड़ी सिगरेट शराब ये तीनों चीज दबा के पिए मम्मी ने, थम भी पियो ना बेटा बिल्कुल भी ना पीनी चाहिए चीज, शरीर ने भी खराब करा घर के पैसे भी खराब करे। पड़ोसियों के मांग के पी लो भाई। क्यों पी रहे पड़ोसियों के? कोई एक दिन भी आएगा तुम्हारा कौन भी आएगा पड़ोसी मारेगा धक्के? मम्मी के लग रखे हैं धक्के ना, उनसे पता है पड़ोसी धक्के मार देगा। मैं कह रहा हूँ ये मम्मी रोटी चेंज कर दो। तेरे तो बात करने ही बेकार है सच्ची। रोटी बदल दो, रोटी बदल दो मुझे।
गरम गरम खाऊंगा मढ़िया वाली, अगर तुमने मुझे बुलाया तो गरम रोटी खिलाओ, अनलेस अंटिल मैं ऐसे नहीं आता घर पे, जाओ ठीक कल तो बताइए काले भी सी नहीं, अब तो अपनी जुबान पे रहा है, क्यों ना खा जाएगी भाई, अब अपनी जुबान पे क्यों ना खा जाएगी, मोटे जाना है, चल 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 जुबान पे रहना सीख ले अपना काम कर, ये देखो कितनी प्यारी फोटो है, वाह कर दे लाइक कमेंट शेयर, ना ना खा ले भाई खा ले खा ले भाई खा ले, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, मैं वो मोटे की इंग्लिश तो पहले पढ़ी होती तो पास हो जाता तो मैं अभी पास ही होकर आई हूं, ओके बाय, कभी मैं फेल ना हूं, अरे हां यार।